इस मोटर को चला करके देखते हैं और आपको बताना है इस मोटर में क्या समस्या हो सकती है, उसको कैसे ठीक करना है। देखिए हाथ से चला रहे हैं, कितनी आवाज़ आ रही है इस मोटर से। अब इसको करंट दे करके चला करके देख लेते हैं, देखिए कितनी इसकी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, आप सीख जाएंगे दोनों वायरिंग कैसे चेंज होती है। फटाफट से मोटर के नट बोल्ट ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि दोनों वायरिंग कैसे चेंज करना है। एक वायरिंग तो बहुत सरलता से चेंज हो जाती है, लेकिन दूसरी वाली जो पंखी साइड में वायरिंग होती है उसको चेंज करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। देखिए ये हवा वाली पंखी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यदि आप इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो मोटर रिपेयरिंग, समरसिबल रिपेयरिंग, पंखा कूलर रिपेयरिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, आपको समय समय पर नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी। यदि मिस्त्री बनना चाहते हैं फिर भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यदि अच्छा ही लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मोटर को फटाफट से खोल लेते हैं। मोटर वैसे ही खुलेगी जैसे नट बोल्ट लगे होते हैं, जितने नंबर के रिंच प्लस लगेगा उसी हिसाब से आप मोटर को खोल सकते हैं। इसमें कोई मिस्त्री आई की ज़रूरत नहीं है, मिस्त्री आई की ज़रूरत जहां पर है वो आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए दोनों साइड के नट बोल्ट खोल लेते हैं। अब दोनों साइड के नट बोल्ट खुल गए हैं। अब लकड़ी का एक गुटका लेना है, इसको थोड़ा सा पटकना है। ऐसे देखिएगा, ऐसे दोनों साइड के नट बोल्ट खुले हुए हैं इस तरह से। ये देखिए खुल गई। अब हमको उस मोटर की बॉडी साइड से कोई लेना देना नहीं है, उसकी नई वाइंडिंग हुई है, आवाज़ इतनी ज़्यादा कर रही थी कि इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। दोनों वायरिंग देखिए, वायरिंग ख़राब हो गए हैं, ग्रीसिंग किए थे लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ सही नहीं हुई, तब इसकी वायरिंग को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद आपको दिखाएंगे, देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट इसका होता है दोनों वायरिंग चेंज करने का। ये देखिए एक खुलेगा तब बैरिंग निकलेगी। एक साइड की बैरिंग तो बड़े ही आसानी से बैरिंग पुलर की सहायता से निकल जाएगी, लेकिन दूसरे साइड की बैरिंग निकालने के लिए आपको जो इसका इंपेलर है, वाटर सील है, सब खोलना पड़ेगा। इसी तरह से वाटर सील भी चेंज कर सकते हैं। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो बैरिंग चेंज करना और वाटर सील चेंज करना दोनों का प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगी। वाटर सील इधर ही होती है इसी साइड में, जिधर पानी वाली पंखी होती है, और उसको चेंज करने के लिए भी इस साइड का कवर और ये इंपेलर खोलना पड़ेगा पानी वाली पंखी। पहले हम इसको निकाल लेते हैं और इसका जो साइज होगा, बैरिंग का नंबर होगा, उसको भी पता कर लेंगे। इसके बाद इसी साइज की बैरिंग, एक बैरिंग दूसरे नंबर की और एक बैरिंग दूसरे नंबर की लगी हुई है, बड़ी छोटी दिख रही है। दोनों साइड की बैरिंग एक ही साइज की हो सकती हैं किसी किसी मोटर में, और किसी मोटर में दोनों साइज की बैरिंग अलग अलग होती हैं। ये देखिए हम ले लिए हैं बैरिंग पुलर, इसको इस तरह से फंसा लिए हैं, एक इस टाइप में है आपके पास जो हो। ठोक करके नहीं निकालना है, कभी इमरजेंसी पड़े तो हल्का फुल्का चोट मार सकते हैं, नहीं तो शाफ्ट टेढ़ा होने का डर रहता है। इसको कहते हैं बैरिंग पुलर। इस तरह से फंसाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे, बैरिंग को खींचता हुआ ऊपर की ओर चलाएगा। देखिए ऐसे घुमाना है, एक हाथ से पकड़ना है शाफ्ट को और पुलर को। देखिए इसको घुमाते जाएंगे और ये बैरिंग को ऊपर की ओर खींचता चलाएगा। देखिए किस तरह से फंसा हुआ है। छोटे बड़े बैरिंग पुलर हो सकते हैं, जिस पुलर की जैसी ज़रूरत होगी तो आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए बैरिंग निकल गई बड़े ही आसानी से, कुछ नहीं करना पड़ता दोस्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप पहले ही हार मान जाते हैं, बैरिंग चेंज नहीं कर पाएंगे। अब इस साइड की बैरिंग चेंज करने के लिए आपको ऐसे वाइस लेना है, देखिए वाइस टूल्स हैं पकड़, इसको पकड़ करके अच्छे से टाइट करिए। हम अकेले हैं, दो लोग होते तो एक पकड़ करके और दूसरे लोग खोल लेते, लेकिन हम अकेले हैं, इस वजह से हमको इस वाइस टूल्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। एक साइड से इसके शाफ्ट को पकड़ लेंगे अच्छे से और फिर इसके इंपेलर को खोलेंगे पानी वाली पंखी को। देखिए अच्छे से टाइट कर लिए हैं, अब इसको खोलते हैं। हाथ से नहीं घूमेगा, कोई ऐसे पेचकस ले लेंगे या कोई राड ले लेंगे। देखिए आपको ऐसे चोट मारना है, फोर्स देना है इस साइड में। देखिए खुल गया।
ये देखिए, इसी के खोलने में दिक्कत होती है, बहुत बार ठोंक ठाक करने से इसका इंपेलर वगैरह फूट भी जाता है। तो आपको इस साइड का जो कवर है और इस साइड की जो है इंपेलर है, इसको बड़े ही सावधानी से खोलना है। देखिए खुल गया, अब इस साइड से इसको खोल लेंगे पक्कड़ से, फिर इसके बाद आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। बहुत आसान है दोस्तों, दोनों बैरिंग बड़े ही आसानी से चेंज हो सकती है। मोटर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, तब आपको दोनों बैरिंग चेंज कर देना है। अब इसको ऐसे लकड़ी के गुटके के ऊपर पटके एक बार केवल पटकना है, नहीं तो जो वाटर सील है चली जाएगी नीचे, और दोबारा जब पटकेंगे तो वाटर सील की पथरी वगैरह सब फूट टूट जाएगी। तो आपको केवल एक ही बार पटकना है। देखिए अब वाटर सील निकल गई, अब एक बार दो बार पटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को वाटर सील कहते हैं, कोई आयल सील कहते हैं, यही है। यदि ये कट जाती है, पानी लीकेज करने लगता है, तो मोटर पानी नहीं उठाती है, पानी नहीं देती है। मोटर चालू तो होगी लेकिन पानी नहीं देगी। इसी तरह से इसको निकाल करके नया लगा देते हैं, वाटर सील चेंज हो जाती है। देखिए अब एक साइड की बैरिंग तो पहले ही निकल गई थी, अभी साइड की बैरिंग भी उसी तरह से निकाल लेंगे जैसे उसको निकाले थे। इस तरह से पूलर लेना है, बड़ा वाला पूलर काम करेगा, ये देखिए। या फिर थोड़ा बहुत चोट भी मार सकते हैं यदि जुगाड़ नहीं है पूलर की तो। अब दोनों बैरिंग का नंबर देख लिए हैं और उसी साइज की दो बैरिंग नई ले लिए हैं। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, आपके पास रिंच प्लस पेचकस होने चाहिए, तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। मिस्त्री बनना है तो आप देखिए वीडियो, मिस्त्री बन जाएंगे धीरे धीरे। देखिए बैरिंग, नई बैरिंग दोनों साइड में लगा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, कमाल का रिजल्ट है दोस्तों। दोनों वायरिंग चेंज करने का कमाल का रिजल्ट है। आवाज़ थोड़ा भी नहीं रहेगी, थोड़ा भी आवाज़ नहीं रहेगी। जैसे आप नई मोटर लेकर के आए हो मार्केट से, उस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, चलिए पुनः से फिट कर लेते हैं इस साइड की बैरिंग फिट करके, और साइड का इस साइड में दोनों साइड की बैरिंग ये फिट कर लिए हैं। अब देखिए ये वाटर सील की पथरी है जो अंदर लगी होती है, इसमें ओपेन टाइप वाटर सील लगी हुई है। अब आपको पहचानना नहीं आता कि कौन सी ओपन टाइप वाटर सील है, कौन सी क्लोज टाइप वाटर सील है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है वाटर सील पहचानने वाली, आप पहचान सकते हैं। ये क्या है कहत रहा, ओपन टाइप वाटर सील। क्या कहत रहा, अब इसमें नंबर तो नहीं दिख रहा है कितने नंबर की है, लेकिन यह ओपन टाइप है। इसको इस तरह से फिट करना है, उल्टा सीधा आप लगा देंगे, उल्टा लगा देंगे तो फिर पानी लीकेज करने लगेगा। अब इसको उसी तरह से फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इसको अच्छे से चोट मार करके टाइट कर देंगे, ताकि लूज ना रहे, कि मोटर चले तो ढीला हो जाए। ये देखिए इसको हम बाद में भी टाइट कर सकते हैं, पहले उधर की फिटिंग करके आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि बैरिंग चेंज करने का और इतने पैसे लगाने के, इतनी मेहनत करने का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए फटाफट से फिट कर लेते हैं, इसमें फिट करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप ओपन किए थे उसी तरह से इसको फिट कर दीजिए। और अभी फटाफट से आपको चला करके दिखाते हैं कि बैरिंग चेंज करने से समस्या का समाधान हुआ या फिर नहीं हुआ। ये देखिए अब इसका देखिए, हाथ से घुमाने से कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसका आवाज़ वगैरह म्यूट नहीं किए हैं कि म्यूट कर दिए हैं या फिर डिलीट कर दिए हैं, इसकी आवाज़ वही है जैसा कि रिकॉर्डिंग किए थे उसी तरह से है। अब इसको चला करके देखते हैं, उस बार तो हाथ से चलाते थे, बहुत आवाज़ आती थी। अब देखिए मोटर से बैरिंग की वजह से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पंखी चल रही है ना, इस साइड की पंखी की वजह से और इस साइड हवा वाली पंखी की वजह से इतना स्पीड चल रही है, इस वजह